जो तारकोल डाला जा रहा है वो कहीं ना कहीं घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। और संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह। स्टेट समाचार से आपको बताएं कि जिला रियासी के धर्माड़ी क्षेत्र की एक खबर बता रहे हैं। आपको बताएं कि थूरू के पास बुद्धन टू थूरू में जो PMGSY का जो सड़क बनाई जा रही है, आपको बताएं कि उसका मेन मोटिव ये था कि गांव-गांव है, ग्रामीण क्षेत्रों को जो है इसका फायदा मिले। लेकिन आपको बताएं कि एक तरफ से देखा जाए तो वहां पर ब्लैक टॉप हो रहा है। किस तरह से ब्लैक टॉप हो रहा है, तारकोल किस प्रकार से डाला जा रहा है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मिट्टी के ऊपर तारकोल डाला जा रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये विजुअल आप देख रहे हैं, क्या वाकई में ही ग्रामीण क्षेत्रों को इससे फायदा होगा या आने वाले दिनों में ये 2-3 दिन के बाद तारकोल जो डाला जा रहा है वो हटा दिया जाएगा या फिर खराब हो जाएगा, क्या इस प्रकार से तारकोल डाला जाता है, ये बहुत सारे सवाल जो है सामने निकल के आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने साफ तौर से कहा कि इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए ताकि आने वाले में जो भी कोई ठेकेदार वहां पर कार्य करे तो अच्छी तरह से के तरीके से कार्य करे, ऐसा कार्य ना करे ताकि आने वाले ग्रामीण को फिर से वही नुकसान करना हो जाए। क्योंकि जैसे ही ये तारकोल डाले जा रही है, मिट्टी के ऊपर तारकोल डाला जा रहा है, ये ग्रामीण क्षेत्र लोगों का जो है दावा किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा दिखाई जा रही है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने क्या कहा, सुनिए इस खबर में। बुद्धन से धर्माड़ी रोड जा रही है, ये आज 3 दिन से इसको ब्लैक टॉप हो रहा है। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है, हमने उससे बात करने की कोशिश की कि जो ये आप ब्लैक टॉप कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो आप, मिट्टी में जो लुक डाली जा रही है और नीचे कैंकरा भी नहीं डाला जा रहा है, ये कौन सी धांधली चल रही है, एक गुंडा राह चल रहा है, ठेकेदार तो किसी से बात नहीं करता। और जहाँ पे हम जब बात करने की कोशिश करते हैं, बीच में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें बोलेंगे छोड़ो ये अच्छा हो रहा जो भी है। तो आप, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ की जो पब्लिक का कहना है कि बहुत ही धांधली चल रही है यहाँ पर और गुंडा राज बनाया हुआ है ठेकेदार ने। हमने उनसे भी बात की, वो साइड पे निकल गए, अभी हम जैसे इधर पहुंचे तो वो साइड पे निकल गए और लोगों को शरेआम बेवकूफ बना रहा है। हमें ये न्यूज लगाने के बाद हमारे पे काफी ज्यादा प्रेशर बन सकता है, क्योंकि हमें जो ठेकेदार सामने वो धमकी देता है कि आप क्या करोगे, ये कर लोगे, जो इन्होंने आगे जो बंदा रखा, कंट्रैक्टर जो है उसने दूसरा बंदा आगे रखा हुआ है, वो तो इधर आता है जैसे देखता है तो चला जाता है, लोगों को बात ही नहीं करने देता है। और हमें कोई भी अगर हमें पे ऐसे कोई फोन कॉलिंग आई तो हमें हो सकता है इस पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करे, हमें इससे थोड़ा दबाव हो सकता है इस न्यूज लगाने पे। और हमें बड़ी उम्मीद है लोगों को यहाँ पे अच्छे रोड बनने की, और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे कि यहाँ पर जो लोग इतने परेशान हो गए, बिल्कुल मिट्टी में जो है वो मिलाई जा रही है लुक। बार बार हमने भी इन लोगों को बोला कि आप क्या करो, इसको सही से डालो, नीचे मिट्टी आप खुद उखाड़ कर देखो, नीचे मिट्टी है, अगर वो मिट्टी नहीं उठाई तो 2 दिन के बाद, आज 2-3 दिन हो गए ये उखड़ रही है, 2 महीने या 4 महीने के बाद ठेकेदार ने तो घर चले जाना है, काम करवा के पैसा खा के चले जाना है, उसके बाद हम लोगों का क्या होगा, ये गाड़ियां कैसे चले। पहले इस रोड के डंगे आप देखो उसमें क्या प्रॉब्लम है, बार बार हमने क्या, हमारी किसी ने नहीं सुनी, SDM साहब अगर सुन रहा है, DC साहब सुन रही है, कोई भी एडमिशन का आदमी सुन रहा है तो वो इसको आके देखे, खुद मौके पर आके देखे हम गलत हैं या ये लोग जो काम करवाने वाले हैं ये गलत हैं। अगर काम नहीं अच्छे से हो रहा है, ढंग से नहीं हो रहा है तो आप छुट्टी करो, हम देखते हैं, हमारी सुनता, हम तो बार बार कहते हैं आप कौन है बोलने वाले, आपको पता ही नहीं रोड कैसी है। अगर हमें नहीं पता, मैं मेंबर हूँ इधर का, वार्ड का मेंबर हूँ, सरपंच है या पंच है, इनकी नहीं सुनेंगे, इन लोगों ने वोट दे के हमें चुना है, हमने बार बार अपील करके ये रोड लाई, सदियों से आप मांग रहे थे, आज हमारी ये मांग पूरी, आज पैसा खा के अगर चले जाएंगे कल तक हम लोगों ने इस रोड पे चलना है, अगर ये हमारी रोड ठीक नहीं होगी तो कल तक हमारे बच्चे हमारे आने वाले नस्ली को दबा कर रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने मौके पे देखा इसको, तो आप आगे तक हमारी ये बात पहुंचाए, कोई भी ऑफिसर आए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी आए जो इसको चेक करे, देखे कि इसमें मटेरियल सही लग रहा है या क्या है, नीचे मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर बिछा रहे हैं, मिट्टी उठी तो 2 दिन के बाद इसने खत्म हो जाना, तो ठेकेदारों ने पैसा खा के चले जाना। अभी मेरी बात हुई एक ऑपरेटर है उनका, उनके साथ वो बोलेगा आपने कभी रोड देखी नहीं, हमने रोड नहीं देखी, हमने दुनिया नहीं देखी। किसने का? एक उसका ऑपरेटर था, पता नहीं कौन था, उधर मैंने बोला इसको सही से डालो, वो बोलने लगा इस आपने कहाँ देखी रोड, हमने देखी है रोड, उन्होंने पैसा खाना है, हमने इस पे चलना है, सदियों तक हमने चलना है इस रोड पे, हमें मुसीबत से ये रोड अगर दी गवर्नमेंट ने तो फिर इसका काम करवाना हमारा काम है ना, बाहर के लोग मत करवाएंगे, हम करवाएंगे। अगर एडमिशन का आदमी आकर देखे हम गलत कर रहे हैं अगर, तो देखे ना इसमें गलती हमारी है, तो
हमें जूते लगाएं। अगर इनकी गलती, इनको पूछे आप पैसा खुदा के लिए तो नहीं कर रहे हैं, ये पैसा लेके कर लेना। अगर पैसा लेके भी कर रहे हैं तो फिर इसको अच्छे से ढंग से बनाओ ना। अगर हमारी गलती है, हमें देखो चार आदमी आकर आपने खुद अपनी आंखों से देखा, नीचे से उखाड़ कर मिट्टी है नीचे, ऊपर ऐसे ही डाल रहे हैं, इसके बीच कुछ भी असर नहीं है इसका। दो या चार दिन के महीने के बाद आप कितने दिन से ये लोग जो है वो चल रहा है जो? आज 5-6 दिन हो गए इस लोग को चल रहा है। हमने पहले इनको बोला, आपने कंसर्न सरपंच से या किसी बड़े एजेंट साहब को ऐसा कोई फोन कॉल या मैसेज किया हो जिसमें उनको कहा कि सर यहाँ जो काम है वो सही से नहीं हो रहा है, आपने कोई बात की? सर मैंने बात की, पहले सरपंच साहब को भी बोला, उसने कहा कि मैं बोलूंगा। फिर मैंने एसडीएम साहब को भी बोला कि इधर तक जनाब तशरीफ रखे आप। एसडीएम साहब ने खुद बोला कि मैं आऊंगा, थोड़ा बैक टू विलेज में तो मैं खुद अपने बंदे भेजूंगा, इसको चेक करेंगे। तो इधर अभी तक तो कोई आया नहीं, वो अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं। वो किसी को पूछते ही नहीं ना उनको, वो नहीं कि सोचते हैं कि हम भी आदमी, वो बोलते हैं आप आदमी नहीं है, आपने रोड कभी देखी ही नहीं। अब आपकी डीसी रियासी एसडीएम साहब धर्माड़ी जो हैं, इनसे क्या रिक्वेस्ट है कि जो रोड पर जो काम हो रहा है जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो हो, या जिस तरह से इस रोड पर काम चल रहा है इस तरह से क्या जो है आप लोगों के लिए ये रोड जो है वो सही है? मेरी एसडीएम साहब से, डीसी रियासी साहिबा से यही अपील है कि आप खुद मौके पे अपने बंदे भेजो, आके चेक करो इसको, ये रोड ठीक चल रही है नहीं। अगर नहीं ठीक चल रही है तो इस काम को बंद करवाया जाए। इसको दोबारा बार बार पैसा गवर्नमेंट नहीं देगी इसको, एक ही बार इतना पैसा आया तो एक ही बार लगाएंगे, बार बार थोड़ा हमें देंगे पैसा। यही रोड थोड़ी है, और भी जगह हम बार बार किस मुंह से मांगेंगे, जब कल तक वही बोलेंगे हमें कि आप उधर के सरपंच या पंच से, आप उधर के जिम्मेदार थे, आपने रोड सही लगवानी थी ना, हमारा काम था देना, आपका काम था लगवाना। अगर हम इस वक्त सोए रहेंगे घर में, कल तक हमें कौन देगा फिर दोबारा पैसा इसमें लगाने के लिए? क्या लगता है आपको, अगर इस तरह का काम जो है खबर के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, ऐसा काम चलता रहा तो क्या ये सड़क जो है जो ब्लैक टॉप हो रहा है ये 1-2 महीने रुक सकता है? ये 1-2 दिन के बाद, 2-4 दिन हो गए ना इसको डाले हुए, 4 ही दिन हुए, तो आपने अपने आंखों से देखा कि वो आज ही उखड़ रही है। तो 1 महीने के बाद, अभी तो गाड़ी नहीं चली इस पे, गाड़ियां बंद करके रखी, 2 दिन से गाड़ी बंद है। गाड़ी जब चलेगी इसके ऊपर तो फिर देखना इसमें क्या होगा, गाड़ी चलेगी तो ये खत्म है, बिल्कुल सिस्टम ही खत्म है। तो दोबारा आके उन्होंने जो काम कर रहे हैं ठेकेदार साहबान है, उन काल तक इधर थोड़ा आना है। ये रोड तो हमारी है ना, हम लोगों की है ना, प्राप्ति हमारी लोगों की, अगर हम गलत करेंगे तो कल तक हमारी नस्लें इसको भुगतेंगी। मेरी यही अपील है बार बार कि अगर इसको आज भी मेरी ये कार्रवाई नहीं हुई, इन लोगों की कार्रवाई सुनवाई नहीं, हर आदमी से आप पूछो, हर आदमी से पूछो कि ये रोड सही है, नहीं हुई तो हम कोई और चारा सोचेंगे, डीसी साहब के पास जाएंगे। सर हम इस वक्त मौजूद हैं पसेड़ा वाली में, जो ये रोड दरमाड़ी से बुदन जाता है, इस पर 3 दिन से जो है लुक डाल रही है, 3-4 दिनों के लुक डाल रही है, और 3-4 दिन से गाड़ियां भी बंद है, और गाड़ियों चलने के बगैर ये लुक जो है सब ये उठ रही है, तो हमारी यहाँ कोई नहीं सुनता। मैं यहाँ का लोकल हूँ, यहाँ हमारी जमीन जो कटी हुई है 10-10 लाख की जमीन काटी है, किसी ने कोई मुआवजा नहीं लिया है, एहसान हमारे पे यही रखा है कि आपको रोड दिया है, तो रोड की ये हालत देखोगे, अगर किसी को बोलेंगे, कोई बोलेगा भाई आपको क्या पता है, आप सीधे साधे हैं या आप गरीब हैं या आपको पता नहीं है रोड कैसी होती, एक्सपर्ट तो नहीं है। फिर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को कोई एक्सपर्ट भेजना चाहिए, कम अज कम जो इसको देखे कि ये अच्छी बनी या नहीं बनी। अगर ठेकेदार के हवाले इसको कर दिया जाएगा, अगर ठेकेदार अपनी मर्जी से बनाए तो उसको तो पैसे बचाने, वो अपनी मर्जी से उसको जैसे मर्जी है कि वैसे बनाएगा, दूसरा कोई पूछेगा उसको बोलेंगे कि भाई आपको क्या पता है रोड कैसे बनती है, मिट्टी भी डाले तो लुक के नीचे मिट्टी है, इसलिए यहाँ पे देखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, एसडीएम साहब को, डीसी साहिबा को, यहाँ नजर रखनी चाहिए, करोड़ों रुपए यहाँ खर्च के हमारे ऊपर एहसान रखे, आपको रोड दिया है, हमने यहाँ पे चलना है, हमारे बच्चों ने चलना है, कल कोई एक्सीडेंट होगा ये तो चले जाएंगे हम, दोबारा हमें 3 महीने के या 2 महीने के बाद कौन दोबारा लुक डाल के देगा इसके ऊपर, ये पास करा के चले जाएंगे, पास हो गया फिर तो हमारी कोई नहीं सुनेगा, ठेकेदार जब चले जाएंगे सामान रहेगा नहीं तो लुक हमें कौन डाल के देगा। जो जब मैंने इनसे बातचीत की, इनका कहना जो है इसके नीचे जो है वो कैंकरा डाला हुआ है, क्या वो कैंकरा यहीं का उठाकर डाला हुआ है या पास कैंकरा जो है इस पे डाला है? नहीं पास कैंकरा कोई नहीं है, यहाँ जो कैंकरा डाला है वो सफेद वाला है, मिट्टी वाला, उस पे जब रूलिंग होगी वो बन जाती है मिट्टी, बाद में हवा मारी तो वो निकल जाती, फिर वही लाल मिट्टी जो हमारी यहाँ की है वही मिट्टी निकलती है नीचे से, उसमें कोई कैंकरा वैंकरा नहीं, कैंकरा होता तो उठती क्यों है, और इसके ऊपर डबल भी कोई नहीं डालते हैं, बोल रहे हैं बाद में देखेंगे, पता नहीं बाद में कब आएगा, पीछे भी डालिए बोल रहे थे बाद में डालेंगे, बाद में कुछ नहीं डाली। अब आप चाहते क्या हैं? अब हम चाहते हैं कि इसका काम सही होना चाहिए, कम से कम अगर आज 2021 में भी यहाँ कोई नहीं सुनेगा तो फिर अब किसको बोलेंगे हम, ऐसा काम हो रहा है यहाँ 2022 में अगर यहाँ ये हालत है इस एरिया में अभी आज भी तो यहाँ कौन देखेगा फिर, यहाँ तो इसके हवाले किया है, जैसे मर्जी बनाओ, जैसे इसको घर का रास्ता है। एसडीएम धर्माड़ी और डीसी रियासी से क्या अपील रहेगी? ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम आप विजिट करें यहाँ, मेहरबानी करें हमारी, आज ये देखें अगर ये काम खत्म कर गई है
तो बाद में ये अपने हिसाब से पास इनको पता है कैसे करवाना है, ये करवा देंगे, हमारी कोई नहीं सुनेगा। मेहरबान, दो दिन के अंदर या एक दिन के कल ही आए कम से कम, यहाँ आके देखेंगे यहाँ काम कैसा हो रहा है। हम अपील करते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता, अगर आज भी इस काम के ऊपर पानी फेर। तो पूरी खबर आपने सुन ली होगी, तो आपने सुना कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने क्या कहा। आपको बताएं कि बुद्धन से थुरू में जो सड़क तारकोल बनाया जा रहा है उसके ऊपर जो तारकोल डाला जा रहा है वो कहीं ना कहीं घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको बताएं कि दो तीन दिन पहले ही जो तारकोल डाला गया था वो हाथों से उखड़ जा रहा है। क्या इस प्रकार से तारकोल डाला जाएगा, आखिर करप्शन कब तक रुक जाएगी? क्योंकि प्रधानमंत्री का सपना यही था कि करप्शन के ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के जो मेंबरान वहां पर, जिस पंचायत के मेंबरान बने हुए हैं, वहां के लोगों ने जब ये आवाज उठाई तो उनका साफ तौर से यही कहना है कि हमारी बात ठेकेदार सुनने को तैयार नहीं है। ये भी ग्रामीण क्षेत्र के मेंबर्स बताया गया, जो सड़क के ऊपर तारको डाला जा रहा है ये 6 से 7 पंचायतों को बेनिफिट इस सड़क का मिलेगा, लेकिन अगर इसी प्रकार से तारको डाला जाएगा तो कहीं ना कहीं सवाल जो है जरूर खड़े होंगे और ऐसे ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई जरूरी होनी चाहिए, ताकि पहाड़ी क्षेत्र में आवाज उठाने व वहां पर कार्रवाई करने या फिर देखरेख करने के लिए कोई भी नहीं चाहता। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र के लोग अब कहीं ना कहीं जागरूक हुए हैं, इसको लेकर उन्होंने ये प्रशासन से मांग की है कि इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हो और उनके ऊपर जो है उनके ऊपर कसा जाए, ताकि आने वाले दिनों में वहां के सड़क जो बनाई जा रही है कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से बने।